नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब हो जाइए सावधान। आप सभी को बता दें कि यह इंसान अंदर ही अंदर आपके लिए सारा खेल खड़ा कर चुका है। आपको बहुत ही बड़ा षड्यंत्र में फंसाने वाला है यह एक इंसान। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि दोस्तों, इस इंसान को अभी ही अपने जीवनकाल में से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दीजिए। जी दोस्तों, इनमें ही आपकी भलाई है। आज की वीडियो में हम आपके जीवन काल के सबसे बड़े राशि पर्दे उठाने वाले हैं दोस्तों, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीडियो आपके जीवन काल के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप भूल से भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी दोस्तों, और आज के इस वीडियो में जो राज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, इनके बारे में आप किसी को भी मत बताइएगा, वरना दोस्तों आपके शत्रु वर्ग सतर्क हो सकते हैं। तो दोस्तों, बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुने। उससे पहले दोस्तों, जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दें। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल में कष्ट खत्म होंगे। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। वीडियो में हम आपको वह सभी जानकारी देंगे कि यह व्यक्ति कौन है, कैसे आप इनको पहचान सकते हैं, कैसे दोस्तों आप इनको अपने जीवनकाल में दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकते हैं। इनके साथ दोस्तों, हम आपसे वो बताते हैं कि वीडियो के अंत में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय की, जिन्हें दोस्तों आप करेंगे तो दोस्तों आपके जीवनकाल में जो भी कार्य आपके बिगड़े हुए हैं वो भी बन जाएंगे और आपके जीवनकाल में पुनः यह व्यक्ति वापस नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण बात से, जो कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में निरंतर याद रखने हैं। दोस्तों यकीन मानिए, इनसे आप सभी के जीवन काल में बहुत ही ऊर्जा शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इन्हें आप बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनिएगा। जी दोस्तों, कि दोस्तों अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, क्यों दोस्तों सूर्योदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता ही है। जी दोस्तों, इसी प्रकार आपके भी जीवनकाल में कोई व्यक्ति आपका सम्मान करता हो या फिर ना करता हो, आपके कार्यों के वैल्यू करता हो या फिर ना करता हो, ये दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसे मिलने के लिए उन्हें समय निकालने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार अपने जीवनकाल में अच्छे कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। ये दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कर्मों का फल स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको देंगे। ये दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप सुन पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं कि आखिर वह व्यक्ति कौन है जिन्हें आपको अपने जीवनकाल से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना चाहिए। ये दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवनकाल में बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। इस राशि के जितने भी जातक हैं, इन लोगों ने बहुत कुछ करने का प्रयास भी किया है, परंतु हर जगह इनके हाथ असफलता ही लगी है। अब दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन असफलताओं के पीछे आपकी कमियां ही है, आपकी गलतियां भी है। जी दोस्तों, परंतु आपके साथ दोस्तों कुछ ऐसे भी आस्तीन का सांप हैं, कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो कि आपके अपने बनने का नाटक रचते हैं, ढोंग रचते हैं, और दोस्तों उनके जाल में आप दिन प्रतिदिन फंसे जा रहे हैं। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है कि आप अभी तक अपने जीवन में दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाए हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम जिस व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार दोस्तों हम दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं दोस्तों, उसी प्रकार आपको इस इंसान को अपने जीवनकाल से निकाल कर फेंकना है। दोस्तों पुनः इन्हें कभी भी अपने जीवनकाल में आने नहीं देना है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस राशि के जितने भी जातक हैं, इनके स्वभाव बहुत ही ज़्यादा सीधे होते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के आप इंसान होते हैं। इन लोगों के मन में कभी भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता और दोस्तों आप लोग मन में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं रखते और दोस्तों सभी के साथ आप अच्छे वर्ताव करते हैं, सभी के साथ अच्छे से पेश आते हैं और दोस्तों इसी आदत की वजह से आज सारी दुनिया आपका लाभ उठाने पर तुला है। जी दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें आपसे कोई मतलब नहीं, परंतु वो आपकी भावनाओं के साथ
खेलना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाने के लिए। इस दुनिया में वर्तमान समय में तो कई सारे चालाक लोग हैं, आपको इतनी चालाकी नहीं करनी आती, इतने षड्यंत्र रचने नहीं आते। ऐसे में दोस्तों कई लोग आपकी मासूमियत का, अच्छाइयों का फायदा उठाने के लिए केवल आपके सामने मुसीबत में होने के ढोंग रचते हैं, नाटक करते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता होता है कि आप उनकी सहायतावश करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस राशि के जितने भी जातक हैं, यह सबसे बड़ी कमजोरी उनकी यही है कि दोस्तों आप लोग कभी किसी को मुसीबत में देख नहीं पाते, फिर चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। जी दोस्तों, इस राशि के सभी जातक मदद करने के लिए आगे रहते हैं। ऐसे में दोस्तों आपके सामने मुसीबत में होने का, संकट में होने का ये लोग ढोंग रचते हैं, और दोस्तों उनके काम निकल जाने से आप उनके जाल में आसानी से फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है आपका साथ दे रहा है, वो आपका अपना व्यक्ति है, आपका अपना सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। लेकिन दोस्तों यश में आप गलत हैं और आप दोस्तों इन भावनाओं में बह जाते हैं, पर दोस्तों असलियत में दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं होता। जी दोस्तों, आपको उस व्यक्ति की असलियत का पता तब चलता है जब आपको वो धोखा दे जाता है। दोस्तों इंसान की फितरत होती है कि जब उसको आपसे काम है तब दोस्तों वे आपके साथ रहेगा, तो आपको गुनगाएगा, दोस्तों आपको अच्छा बताएगा, परंतु जब उनका काम निकल गया, जब उसका मतलब खत्म हो गया, फिर दोस्तों वह अपनी औकात आपको दिखा देते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आपको ऐसे व्यक्तियों को अपने जुनकाल से तुरंत दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना चाहिए। और दोस्तों दोबारा ये चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए क्यों ना, जी दोस्तों इनकी सहायता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी दोस्तों इन बातों को आप ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग आपसे कितने भी अच्छे क्यों ना रहे, एक ना एक दिन आपको धोखा दे ही देते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं और आपको ऐसे लोग बड़ी मुसीबत में छोड़कर भाग जाएंगे। दोस्तों इन लोगों से आप पेशों के लेन देन में कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि दोस्तों आप अक्सर पेशे देकर फंस जाते हैं। पेशे के लेन देन आप सभी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है, बहुत ही खराब योग है तो आप सभी के लिए साबित होती है। तो दोस्तों इन लोगों से आप पेशों को लेकर कोई भी लेन देन बिल्कुल ही ना करें। इसके साथ दोस्तों हम ग्रहों के हिसाब से बात करें तो दोस्तों आपको अब सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ताकि दोस्तों ऐसे लोग आपके जुनकाल में दस्तक ना दे। दोस्तों आप अपने जुनकाल में आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करते रहिए। वही दोस्तों इसके साथ बात करते हैं अंत में कि अब आपको अपने जुनकाल में कौन से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों ऐसे लोग आपके जुनकाल में कोई भी आपको धोखेबाजी ना कर सके और आप इनसे हमेशा दूर ही रहें। जी दोस्तों हम आपसे को बता दें कि दोस्तों ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए आप शनिवार या फिर मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें। जी दोस्तों इसके उपरांत दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलें किसी अच्छे कार्य के लिए, तो दोस्तों शक्कर और चीनी का सेवन जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इनसे आपके कार्यों में आपकी सफलता की प्राप्ति होगी। और जो भी ऐसे लोग आप सभी के जुनकाल में होते हैं दोस्तों, उनसे आपका बहुत ही जल्दी छुटकारा भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, आप इन्हें जरूर कीजिएगा, आप शिव के जुनकाल में आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, और शायद दोस्तों हमारे से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।